Top bonnet. तुम यहाँ क्या कर रही हो? निशाना ऐसे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, पर जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा था इसलिए मैं इसके अंदर आके छुप गई। तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या कि हमारे अलावा इधर कोई और भी है? पक्का राजकुमारी होगी, वो तो शुक्र मनाओ उनको याद आ गया कि आज मंगलवार है, नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, इसलिए चली गई होगी। नॉट फनी, ओके? तो इस पूरी हवेली में नेटवर्क कहीं भी नहीं है, अब क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं, सुबह का इंतजार करने के अलावा कर भी क्या सकते हैं हम? सुबह तक वो भी इस भूतिया हवेली में? यार तुम लड़कियां इतनी डरपोक क्यों होती हो? तुम लड़कियां डरपोक होती है ना? तो थोड़ा बहुत डर तो हर किसी को लगता है ना, इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन। अब अंदर क्या बैठी हो, बाहर आओ। बहुत बुरे बुरे के हाल आ रहे मन में, कहीं बाकी को कुछ हो गया तो? आंटी उसको कुछ नहीं होगा, वो ना जरूर अगस्त्य के साथ होगी। अरे मैं कब से कह रहा हूँ, एयरपोर्ट चलते हैं, वहाँ देखते हैं, लेकिन तुम लोग सोने नहीं रहे, अब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? चलो देखते हैं। बाकी आ गई, आज ना चिट्टे पड़ेंगे इस लड़की को। इसी आप? मैं ठीक हूँ बेटा। तो एयरपोर्ट से अकेले आ गया बाकी? मुझे लगा वो घर पे है, इशी ओके? वो एयरपोर्ट भी नहीं गई, बाकी आखिर है कहाँ? काफी है, तुम यहाँ पे आके बैठ सकती हो। मुझे का पता नहीं, लड़कों का ठंडी में लड़की से चिपक के बैठने का पूरा फॉर्मूला। यूनिवर्स, नेटवर्क की एक डंडी दे दो। घर पे सब कितने टेंशन में होंगे मुझे लेकर, टोडो तो मुझसे पक्का नाराज हो जाएगा। मैंने आपको पाकी की फोटो भेजी है, इस केस को टॉप प्रायोरिटी पे रखिएगा और पूरी पुलिस फोर्स लगा दीजिएगा पाकी को ढूंढने के लिए, ओके? डोंट वरी मिस्टर रायचंद, हम जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। चलो थैंक्स। आई होप पाकी सेफ है, लेट्स गो। ओके। अरे इतना भी नहीं पता, जब भी कोई लड़की किसी चीज के लिए ना बोलती है उसका मतलब उसे वो चीज चाहिए होती है, इट मींस यस। ये तो पता था, लेकिन तुमने ये नहीं बताया ना कि तुम लड़की हो।
अरे ये वुंड ऐसे खुला रहेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। बैंडेज चाहिए है मेरे पास। ओह यू मीन यस। दिन ही खराब है, सुबह से सब कुछ गलत हो रहा है। काम है, एयरपोर्ट जाने वाली थी, और मैं यहाँ इस भूतिया बंगले में फंस गई। ऐसे अपसेट होने से तो सुबह जल्दी होने नहीं वाली। हम एक काम करते हैं, हम किसी और बारे में बात करते हैं। मैं तुम्हें इस हवेली की प्रिंसेस की कहानी सुनाता हूँ। कहते हैं कि राजकुमारी मनोरमा इतनी सुंदर थी कि इस हवेली के राजा मानवेंद्र ने उन्हें जबरदस्ती उठा लिया था। जब राजकुमारी ने राजा से शादी करने के लिए मना कर दिया तो राजा ने उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया। एक्चुअली राजकुमारी ना एक दूसरे स्टेट के प्रिंस राजकुमार विक्रमादित्य से प्यार करती। राजा राजकुमारी को फोर्स करता रहा लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। उन्हें बेड़ियां मंजूर थी लेकिन अपने राजकुमार के अलावा उन्हें कोई छुए ये बात मंजूर नहीं थी। और विक्रमादित्य भी अपनी पूरी जिंदगी सब कुछ छोड़कर राजकुमारी को ढूंढते रहे। आखिरकार राजकुमार ने राजकुमारी को ढूंढ निकाला लेकिन जब तक वो उनके पास पहुंचे तब तक राजकुमारी इंतजार करते करते अपना दम तोड़ चुकी थी। और ऐसी हालत में अपनी राजकुमारी को देखकर राजकुमार को ऐसा सदमा पहुंचा कि उन्होंने वहीं राजकुमारी की बाहों में अपना दम तोड़ दिया। पता है ये कहानी सुनने के बाद ना ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पास इस जमाने में सब कुछ है। फोन है, इंटरनेट है, एरोप्लेन है, बस हम प्यार करना भूल चुके हैं। लेकिन तुम देख रहे जब मेरी लाइफ की लव स्टोरी शुरू होगी ना वो भी इतनी इंटेंस होगी। जरूर होगी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम जैसी लड़की से तो किसी को भी प्यार हो जाए और वो भी ऐसा वैसा प्यार नहीं, पागलपन की हदों को पार करने वाला प्यार। अगस्त्य दादी कहाँ रह गए थे आप? हम शाम से आपका इंतजार कर रहे हैं और आप हमारा फोन भी नहीं उठा रहे। I'm so sorry, beautiful. World की second most beautiful लड़की ने मुझे परेशान कर रखा है। क्या हुआ पाकी को? पता नहीं दादी कहाँ गई वो। उसका फोन भी उसके पास पे नहीं है। In fact, उसके घर वाले काफी परेशान हैं। मैंने ACP को कॉल किया, वो अपडेट देंगे मुझे। Let's see. ACP का कॉल है। अपडेट लेते हैं उनसे। Sorry. Yes. What's the update? लेकिन मुझे पाकी चाहिए, आपके एक्सक्यूजेस नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बीच रात में मुझे CM को कॉल करना पड़ जाए। अगर एक घंटे मुझे कोई अपडेट नहीं आया ना तो देख लीजिएगा, मुझे मजबूर हूँ उन्हें कॉल करना पड़ेगा। गेट दैट? अगस्त्य बेटा खाना तो खा लीजिए। पाकी बहुत ही समझदार लड़की है, हमें यकीन है कि उसे कुछ नहीं होगा। Thank you.
बाकी को पता लगा लिया मैंने, वो हीरा कोठी के अंदर है। लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? दोपहर से हवेली के अंदर थी अपनी टीम के साथ बाकी। हवेली के आगे वाले चौक का सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है। शाम से गुजरी हर कार को मैंने ध्यान से देखा है, हर फुटेज मैंने चेक किया है। तानिया बाहर जाती हुई नजर आ रही है लेकिन बाकी कहीं नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि पाखी हवेली के अंदर ही है। अगर पाखी बाहर आई होती तो उसने मुझे कॉल किया होता। आई एम टेलिंग यू, प्लीज गो एंड चेक इट। लेकिन आपको हवेली के चौक का सीसीटीवी फुटेज के लिसन, नो क्वेश्चंस, जस्ट डू व्हाट आई एम सेइंग। जाइए हवेली खुलवाइए एंड अपडेट मी नाउ। कौन? बाकी मैडम, आप यहां कैसे रह गई? मनोज, आपको पता है पूरी पुलिस फोर्स आपको ढूंढ रही है। सर, एक्चुअली आई एम अ वेडिंग प्लानर। मैं यहां लोकेशन देखने आई थी क्योंकि मेरा कुछ ही दिनों में यहां इवेंट होने वाला है। आई तो मैं अपनी टीम के साथ थी पर वो लोग निकल गए और मुझे पता ही नहीं चला और मैं यहां बंद हो गई। तूने तो कहा था हवेली लॉक करने से पहले अच्छे से चेक किया था, फिर ये अंदर कैसे रह गई? बोल। और तुम कौन हो? सर मेरा नाम ईशान टंडन है। वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड से मेरी बेट लगी थी कि मैं पूरी रात इस हवेली में गुजार के दिखाऊंगा, तो मैं दीवार कूद के आ गया था। क्या सर? लेकिन बहुत डिसेंट लड़का है सच में सर। अगर ये नहीं होता तो मैं यहाँ रुकी नहीं पाती क्योंकि मैं तो बहुत डर गई थी, बहुत पैनिक हो गई थी। इसकी कंपनी की वजह से ही सर्वाइव कर पाई हूँ मैं। रायचंद जी, जी आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही निकली, पाखी मैडम मिल गई है। जी टोडो, टोडो नहीं होता तो पता नहीं क्या होता मेरा। सॉरी मैं भूल ही गया, आप कुछ पानी वगैरह कुछ लेंगी? नहीं नहीं, इनकी ना का मतलब हाँ होता है सर। ना बोल रही हूँ तो पक्का प्यास लगी होगी, आप प्लीज पानी दे दीजिए। तुम ना चुपचाप अपने घर पे जाओ और ऐसी बेकार की शर्तें मत लगाया करो। जी सर। मैम आइए। हाँ थैंक यू। यू आर वेलकम। बाकी मैम आइए। ये कैसा बचपना है अगस्त्य, अब वो आ रही है तो आपने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया है, ये ठीक बात नहीं है बेटा। दादी कहाँ रह गई थी आप? सब लोग आपकी वजह से कितने परेशान थे। तो आप ठीक तो है? हाँ दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स टू रायचंद साहब। वैसे क्या हुआ? रूठ के बैठे हैं, अब मना होने। डोडो सॉरी ना, प्लीज दरवाजा खोलो। तेरी वजह से अभी तक सोया नहीं हूँ मैं। आई नीड सम रेस्ट। अरे बाबा दो मिनट दरवाजा खोल के बात कर लो, मिल तो लो मुझसे फिर सो जाना। चलो खोलो दरवाजा। एंड सम साइलेंस। फाइन, रूठ के बैठे रहो तुम, लेकिन जब सुबह गुस्सा शांत हो जाएगा ना तो
तो हमारे वाले स्पॉट पे आके मिल लेना, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। लेकिन याद रखना, तब तक मेरा भी मूड अपसेट रहेगा, मैं भी बहुत सैड रहूंगी। जा रही हूँ मैं, आई एम गोइंग, जा रही हूँ मैं। तुझे खोने का डर जान नहीं लेगा किसी दिन मेरे ही। जल्दी मर जावा। How strange है, टोडो कभी लेट नहीं होता। हाय, ये मेरे लिए है? अरे पर किसने दिया? रिडल? बिना पंख के उड़ती हवा में, इसका क्या मतलब हो सकता है? Obviously काइट, बिना पंख के हवा में उड़ती। हर पल होती है तुझ पर नजर, बस दस दस कदम आगे है मेरा घर। डोडो, ऑब्वियसली ये डोडो है, वो स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है मेरे साथ। साथ खाना है ना, उसे क्या हो जाएगा? उसके सारे दांत गिर जाएंगे। That's right. जाइए। डोडो, तुम में और इस बच्चे के बीच में कोई फर्क है या नहीं? डोडो, you scared me. I scared you. You scared me. कल क्या था वो? डोडो, मैं फंसी हुई थी वहाँ पे। Can you even imagine मेरी क्या हालत हो रही थी वहाँ पे? एक तो हवेली में फंस गई, ऊपर से फोन भी नहीं था मेरे पास। सॉरी ना, नाराज नहीं होते, सॉरी। तेरे इश्क में मर जावा। और अगर तुम्हारे पास फोन होता तो सबसे पहले किसे कॉल करते? Obviously, तुम्हें। तेरे इश्क में याद है? अरे इधर ही मैंने स्कूटी चलाना सीखी थी और फ्रेंड्स के पास लाके टोक दी थी, और फिर वही टूटी वाली स्कूटी पे तुम मुझे घर ड्रॉप करने गए थे। डोंट लाई, डर लग रहा था ना रात को स्कूटी चलाने में, अंधेरे में एकदम लग रहा था ना। ऑफ कोर्स, हेडलाइट्स भी तो तोड़ दी थी तुमने। ओह यस, आई रिमेम्बर दैट। गॉड, टोडो कितने स्टूपिड थे ना हम, और सब कुछ कितना जल्दी बदल गया। लुक एट यू, एकदम स्मार्ट, हैंडसम, डैशिंग मिस्टर रायचंद बन गए हो तुम। बट आई गेस मैं अभी तक नहीं बदली, हमेशा की तरह मैं ही पटर पटर किए जा रही हूँ, मैं ही बोलती जा रही हूँ। डोडो, लेट्स टेक अ पिक्चर हियर, जैसे हमेशा यहाँ लेते हैं। सोचा है कि पास्ट इतना खूबसूरत था तो फ्यूचर कैसा होगा? आई थिंक अब वक्त आ गया कि हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोच लेना चाहिए। हो क्या गया है तुझे बाकी?
एक ही बार तो मिली है उससे, और फ्यूचर का टॉपिक निकलते ही उसके बारे में क्यों सोचने लगी? फ्यूचर के बारे में सोचना क्या है? तुम्हारा फ्यूचर तो एकदम सेट है। I'm sure दादी तुम्हारी ग्रैंड वेडिंग की प्लानिंग अभी से कर रही है। पता नहीं क्या तुमने दादी को? वो कौन थी, नाथली या दियाना, कौन थी वो? Anyway, जो भी थी। अरे अपनी दादी को उनकी होने वाली फ्यूचर बहू के बारे में बता तो दो। Well, that's a scary thought. अगर मैं किसी गोरी के साथ शादी कर लूंगा तो मुझे हमेशा के लिए वहाँ पे सेटल होना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। बट तुम तो ऑलरेडी वहाँ। वेट, व्हाट डू यू मीन? मैं इंडिया शिफ्ट हो रहा हूँ परमानेंटली। आर यू सीरियस? डोडो, आर यू किडिंग मी? डोडो सीरियसली? सच बता, क्रॉस योर हार्ट एंड होप टू डाई। शट अप, सच्ची तुम इंडिया शिफ्ट हो रहे हो? That's gonna be amazing. बाकी तुम्हें चोट कैसे लगी? बाकी तुमने मुझे बताया कि इतना गहरा घाव है। रिलैक्स, अरे हवेली में लग गई थी थोड़ी सी, नॉट अ बिग डील। इट इज अ बिग डील फॉर मी पाखी। तुम तब तक कुछ नहीं करोगी जब तक मेरा सेप्टिक ना हो जाए। वेट, लेट मी कॉल द डॉक्टर, ही इज गोना फिक्स इट। डोंट स्टॉप इट ऑलरेडी। अरे किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी ड्रेसिंग करवाने, पक्का जाऊंगी। ओके, रिलैक्स नाउ। अरे इतनी छोटी छोटी बात का स्ट्रेस नहीं लेते। किसी दिन अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो? यू थिंक मेरे रहते तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है? यू श्योर तुम हॉस्पिटल जाओगी? राइट, हाँ बाबा जाऊंगी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ऑलमोस्ट 12, मीटिंग है ना तुम्हारी? मीटिंग तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दो, मैं खुद चली जाऊंगी ना। आई विल बुक अ कैब। आई विल जस्ट डू इट। आई सेड ना, गो, मैं कैब बुक कर रही हूं।